टीवी सीरियल उड़ारिया में तेजो के पापा ने की दूसरी शादी। दरअसल ऐसा तेजो की मॉम सोच रही है और वो उन पर शक कर रही है, क्योंकि जब से यास्मीन कनाडा से आई है उसके पास रहने खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसकी जिम्मेदारी उसके पापा ने ली है। तो इन सभी को देखकर तेजो की मॉम को लगता है कि कहीं वो मेरी सौतन तो नहीं ले आए। तो इस बात को लेकर तेजो की मम्मी और पापा में बहस हो रही होती है। वहां पर तेजो भी आई हुई होती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि वो मेरी बेटी जैसी है और उसकी नेमत जितनी एक छोटी बच्ची भी है। तभी तेजो की मॉम कहती है, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके पापा अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें जैस्मिन के बारे में नहीं बता सकता। उधर दूसरी ओर जैस्मिन की बेटी अपनी मॉम से रोकर पूछती है कि अब हम गंदे पापा और दादी के पास तो नहीं जाएंगे ना। साथ ही वो कुछ बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर पूछती है कि अब आप तो मुझे घर में नहीं पढ़ाओगे ना, मुझे भी स्कूल भेजोगे ना। अपनी बेटी के इन सारे सवालों को सुनकर जैस्मिन की आंखें भर आती है। उधर दूसरी ओर जैस्मिन अपनी बेटी नाज का एडमिशन नेमत वाले स्कूल में कराने जाती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये नेमत का स्कूल है। जैस्मिन की नजर जैसे ही इधर उधर होती है, तभी जैस्मिन की बेटी कुछ बच्चों के साथ खेलने लगती है और खेल खेल में वो गिर जाती है। तभी नेमत उसको उठाती है और उसको चोट लगी देखकर वो उसको बैंडेज लगा देती है। उसी वक्त उनमें बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी जैस्मिन आकर उसकी चोट को देखकर दुखी हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें बैंडेड किसने लगाई। नाज उसको सारी बातें बता देती है। तभी जैस्मिन कहती है कि उसके माँ बाप ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे। अभी पीछे से तेजो आ रही होती है, लेकिन जैस्मिन और तेजो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। नेमत को भी चोट लगी हुई होती है क्योंकि उसकी फाइट एक स्कूल के लड़के से हुई थी, जिसको देख कर तेजो घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ तुमको। नेमत अपनी मॉम तेजो को झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तेजो समझ जाती है और उसे सारी बातें पूछ लेती है। उधर जैस्मिन को जब स्कूल की फीस के बारे में पता चलता है, तो जैस्मिन नाज को वापस घर लेके जाती है और कहती है कि मैं इतनी फीस नहीं दे पाऊंगी। तो जैस्मिन जैसे ही चलने लगती है, तभी उसे तेजो की आवाज़ आती है और वो सुनकर छुप जाती है और ये कंफर्म करती है कि ये तेजो ही है क्या। तो वो तेजो को देख लेती है, लेकिन तेजो उसको नहीं देख पाती। उसके बाद जैस्मिन वहाँ से चुपचाप चली आती है। उसके बाद जैस्मिन की बेटी नेहमत के घर जाकर क्रिकेट खेलने लगती है। तभी जैस्मिन उसको बुलाने के लिए जाती है और वो वहाँ पर देखती है सभी परिवार वाले मिलकर खेल रहे होते हैं और वो अपनी बेटी को खुश देखकर और कहती है कि मेरी नाज को भी ऐसे ही परिवार की जरूरत है। अगर नाज तेजो की छत्र छाया में रहेगी तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे संस्कार आएंगे और उसके लिए मुझे इसका एडमिशन नेहमत के स्कूल में कराना होगा। तो जैस्मिन नेहमत के स्कूल में नाज का एडमिशन करा देगी। तो जैस्मिन नाज को तैयार करके स्कूल की ड्रेस में कुछ बाहर सामान लाने के लिए भेजती है। तभी जैस्मिन के पापा नाज को नेहमत वाले स्कूल की ड्रेस देखकर चौंक जाएंगे और कहते हैं कि मुझे जिस बात का डर था कहीं वही सच ना हो जाए, क्योंकि तेजो के पापा नहीं चाहते कि जैस्मिन अब ते और तेजो की जिंदगी में वापस आए। उसके बाद वो जैस्मिन के पास अंदर जाकर कहते हैं कि तुम नाज का एडमिशन नेहमत के स्कूल में नहीं कराओगी और उसको ये भी बताते हैं कि ये वही छोटी बच्ची है जिसे छोड़कर तू चली गई थी। इस बात को सुनकर जैस्मिन की आंखें भर आएगी और वो खुश हो जाएगी। तो अब देखना ये होगा कहीं जैस्मिन इस बात का फायदा उठाकर नेहमत को तेजो और फतेह के खिलाफ तो नहीं करेगी, या फिर जैस्मिन सच में सुधर गई है। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू।